हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज करने जा रही हूँ वैक्स। बहुत दिनों के बाद मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है और लेग्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है हीटर में वैक्स निकाल के रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये रीका वैक्स है, मैंने जो है ऑनलाइन परचेज़ किया था। और इसके साथ में पाउडर ले लेना है, स्ट्रिप वैक्स स्ट्रिप्स ले लेनी है। पाउडर कोई भी चलेगा, मैंने तो ये जॉनसन बेबी का मेरे पास वही था जो है, तो मैंने वही ले लिया था। और उसके साथ में एक नाइफ चाहिए, इसके साथ में मैंने एक कैंची ले रखी है और न्यूज़पेपर डाल रखा है, क्योंकि फिर वहीं पर करो। और बाउल में ठंडा पानी, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ठंडा पानी होगा, तो मैंने थोड़ा सा ये जो अच्छे से थोड़ा सा बर्फ़ को जमा के रखा था इसलिए। और एक जो है हैंकी चाहिए कॉटन की, और एक नॉर्मल सूखा कपड़ा चाहिए। तो बस इतनी सब इन्हीं सब चीज़ों से वैक्स हो जाता है। और आप लोग मेरे देख सकते हैं कितनी गंदी वाली ग्रोथ हो रखी है अभी मैंने, जबकि फरवरी में किया था, बट फिर भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है। तो मैंने सोचा चलिए कर क्यों ना कर लेते हैं, तो मैंने अभी स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले आपको लगाना है पाउडर अपने पैरों में अच्छे से, जिस डायरेक्शन में बाल होंगे उसी डायरेक्शन में आपको लगाना, और एक्स्ट्रा जो होगा उसको आपको झाड़ लेना है। और प्लीज़ आप लोग मेरे हुलिया पर मत जाइएगा, घर में यार वैक्स करूँ तो ऑब्वियसली ऐसे कोई बन टन के तो नहीं करेगा। और जो है हल्का सा ठंडा करके, बहुत तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल गर्म गर्म ही लगा लेना, वैसे भी थोड़ा सा गर्मियों में गर्म ही लगता है, ठंड में तो अच्छा लगता है बट गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लगता है। तो इसको हल्का सा ठंडा कर करके हल्के हाथों से, जैसे आप कंफर्टेबल हो नाइफ की सहायता से, जो है आपको अच्छे से लेग्स पर या फिर हैंड्स पर जहाँ पर भी आप कर रहे हो लगाना है। तो मैंने एक बार में ही थोड़ा अच्छा सा लेयर लगा लिया था पूरा, आई थिंक मैंने हाफ लेग्स में ही किया था, क्योंकि मैं थ्री फोर्स वगैरह पहनती हूँ तो इसलिए, वन पीस भी पहनती हूँ तो इसलिए, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। और वैक्स स्ट्रिप में जो है ध्यान देना होता है, एक साइड थोड़ा सा खुरदरा होता है और एक साइड बिल्कुल चिकना होता है। तो जिस साइड खुरदरा होता है उसी साइड में जो है इसको अच्छे से चिपकाना है। चिपकाने के बाद अपोजिट साइड जो है हमें स्ट्रिप को उखाड़ना होता है, जिस साइड हमारे बाल जैसे, अगर जो नीचे की साइड है तो हमें अपर साइड में जो है ऊपर की साइड में वैक्स स्ट्रिप निकालना होता है। और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। अपने हाथ से भी हो जाता है बट बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, उतना टाइम नहीं लगता है बट फिर भी जो है टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही पाउडर लगा लगा के जो है लगा लेना है, और काफ़ी पेनफुल होता है। और पीछे पिंडली साइड में जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है हो जाता है। उसके बाद मैंने ये गीले कपड़े से पोंछ लिया है, पोंछने के बाद पता चलता है कि कहाँ पर बाल छूटे हैं कहाँ पड़े हैं। और आप लोग देख सकते हैं वैक्स, एक लेग में मेरा वैक्स और एक लेग विदाउट वैक्स है, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। एज यू कैन सी जो है मैंने दिखाया भी है और मेरे हाथों पर भी अच्छी सी ग्रोथ हो रखी है। तभी मेरा एक लेग हो गया है, ये नीचे का जो पंजा होता है जो है यहाँ पर बचा हुआ है। तो स्विच की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो भाई जहाँ स्विच मिलता है हम वहाँ पर बैठ करके अपना काम कर लेते हैं, ये नहीं कि हमको बहुत वैसा नहीं है, जहाँ पर अपना काम बन जाए वहीं पर अपन बैठ जाते हैं। तो या मैं ज़मीन पर बैठ करके आराम से जो है कर रही हूँ, और प्लीज़ मेरे हुलिया को इग्नोर कीजिएगा। और वहीं पास में मेरे पुत्र जी बैठे थे, क्योंकि जब मैं जहाँ जाती हूँ वो पीछे पीछे मेरे लग जाते हैं। तो भी मेरे एक लेग में आई थिंक 25 मिनट लगे थे, क्योंकि मैं बीच बीच में फ़ोन भी चला रही थी, तो ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके कर रही थी। और वैक्स से प्लस चीज़ होता है कि आपकी जो टैनिंग होती है वो भी निकल जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे हाथ में वगैरह, हाथों में पैरों में पंजों पर टैनिंग वगैरह हो जाती है। स्लीपर वगैरह डालते हैं, शूज़ तो हमेशा नहीं डालते हैं, तो उसकी वजह से टैनिंग हो जाती है। और गीले कपड़े से मैं पोंछ पोंछ के देख भी रही थी कि हाँ कहाँ पर बचा है, कहें बाल बचे हैं कहाँ पर हो गया है, बट पीछे जहाँ पिंडली होती है वहाँ पर उतना जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, बट फिर भी अच्छे से हो जाता है। तो आप भी घर पे ट्राई करो, हो जाता है आसानी से, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है हाथों में करना है, बट मेरे दोनों लेग्स पर हो गया था। और दूसरे लेग के मैं पंजे पर कर रही थी तभी लाइट चली गई, तो उसकी वजह से मैं हाथों पे नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं हाथों में भी करती। फिर लाइट आई थी तो मैं उठ गई थी, फिर मेरा मन नहीं हुआ, थकान हो गई थी इसकी वजह से मैं उठ गई, अदरवाइज मैं हाथों में करती, हाथों में भी करना। और मुझे अभी मैं सोच रही हूँ फेशियल भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल वगैरह भी नहीं है, ना कहीं जाना है, तो घर में रहें तो थोड़ा सा भी किट रखा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ। तो दूसरे हाथ में कर लिया, बहुत ज़्यादा लेकिन थकान हो जाती है। और बाहर जाके मैंने करवा चौथ पे बाहर करवाया था भाई, बट मैंने अभी खुद का वैक्स हीटर ले लिया, पहले भी था ख़राब हो गया था तो मैंने दूसरा परचेज कर लिया, तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ जो है। और जिसको करवाना हो मेरे पास आ जाए, मैं कर दूँगी जोक सपाट जो है।
तो वही मैं कर रही थी, और टाइम लगता है, गर्मी हो रही थी तो गर्मी मैंने बर्फ़ वाला पानी ले रखा था। और वैक्स करने से पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी ना लगाएं, तो अच्छे से जो है आपकी ग्रोथ जो बालों की रहेगी वो निकल जाए। और थोड़ा सा अंडर ग्रोथ रहती तो बाल नहीं निकलते, बहुत जो है दिक्कत होती है। अदरवाइज़ अच्छे से फुल ग्रोथ, मेरे तो फुल ग्रोथ हो रखी थी तो बहुत फटाफट से निकल गए थे। तो मैं खुद से कर लेती हूँ, अभी हाथों में भी किसी दिन करूँगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज ही मैं करने वाली थी बट नहीं हो पाया, तो कोई नहीं। और प्लीज़ इग्नोर माय हुलिया जो है। और ये देख लीजिए, वैक्स करने के बाद मैंने लगाया था एस्ट्रिजेंट, इससे जैसे कहीं पर थोड़ा ब्लड वगैरह आ जाता है तो उससे सही हो जाता है। जो है मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके आप ये लगा लो, और वैक्स करने से पहले और वैक्स करने के बाद लेग्स में बहुत फ़र्क रहता है, तो वो आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सो प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।